और ये प्रावधान में 260 फीट है, तो अब जो पीछे वाले जितने भी है उन्होंने सबने पैसे खिलाए हैं सरकार को, और ताकि ये 200 फीट ही रह जाए, ताकि उनके पीछे का तो आ जाए 200 फीट में फ्रंट में और हमारे सारे टूट जाए। तो करे तो जूत खाएं क्या इनसे, अब हम पैसे भी जाएं जूत भी खाएं, हम ही करें सारे काम। और सुनिए, पंचायत पट्टा है यार, पंचायत पट्टे से क्या बड़ा है यार, पंचायत पट्टा है हमारे पास, पंचायत पट्टा है 6 दुकानों का, पीछे चलो उनको दुकानों को तोड़ दिया, पंचायत पट्टे से कुछ बड़ा हो सकता है क्या? पंचायत पट्टे वालों को मुआवजा नहीं दे रहे आप, हमें मुआवजा नहीं दे रहे यार। 40 साल हो गए हमें यहाँ बैठे हुए सर, 40 साल आपके मास्टर प्लान से पहले से बैठे हैं हम। आपने पहले 180 बनाया, आपने इसको 160 करा, आपने इसको 180 करा, फिर आपने 260 करा, फिर 200 करा। मैं तो कह रहा हूँ पूरे जयपुर को ही चौपट कर दो और पूरे जयपुर को रनवे बना दो आप, और तो क्या, और यहाँ प्लेन उतार दो लंबे लंबे लाके, हम तो गलियों में घूम लेंगे, हम गलियों में घूम लेंगे, और यहाँ प्लेन उतरा दो आप तो। यार क्या चौड़ी कर रहे हो, पैरेलल सड़कें हैं, उधर 200 है, फिर 100 है, मध्यम मार्ग है, शिप्रा पथ है, कितनी सड़कें बनाओगे यार? 25 साल से ये लोग यहाँ पे हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी पानी का कनेक्शन है, सब इनके पास है, बट कुछ भूमाफियाओं के कारण, ये पेट्रोल पंप वाला भूमाफिया है उसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं, जिसके लिए ये मिस्टर पंत है उसको खुद को पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब काम बेपरवाही से और पैसा हुआ है, और इसका बीजेपी और बीजेपी का इसको भुगतान करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, कोई वोट नहीं देने वाला इनको। और ये मोदी जी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी कैसे बनेगी जब 615 परिवार टूट जाएंगे, तो हम इनको टैक्स दे रहे हैं, अब या तो हमें मुआवजा दिलाएं ये लोग जिससे कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर हम और करना ये तो 260 करें इसको। हमने अपनी दुकानें शोम खाली कर दी, तो ये भजनलाल गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए कि जहाँ तो वो रोजगार की बात कर रही है, जो बीजेपी के चुनाव से पहले मुद्दे थे कि है ना हम रोजगार दिलाएंगे, यहाँ 715 परिवारों को बेरोजगार कर दिया, चलो हमने उसमें भी उनका साथ दिया कि हमने स्वेच्छा से दुकानें खाली करी, पर इनका कुछ तो रोजगार के लिए उनको है ना मुआवजा देना चाहिए, इनका पुनर्वास करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रही है, अब क्यों सो रही है बीजेपी गवर्नमेंट? आरटीएस हटाऊंगा, सड़क को 160 रखूंगा चुनाव जीतने के लिए, ये था हमको। और ये आज 1996 का कनेक्शन, ये देखिए आप, और हमारे 81 के कागज है, हमारे कागजों की एसएफएल जांच करा लो, हमारे कागजों की। जो इंसान अपने हमारे जबान पे नहीं था, वो काय का आदमी है, जो इंसान अपनी जबान पे निकला उसने बोला था कि मैं हाथ में लगने दूंगा, पलट गया, बोल रहे मैं हाथ खड़े कर लिए, भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पता ही नहीं है, सीएम की पोस्ट बैठे है, सीएम की पोस्ट बैठे उसको पता ही नहीं है कुछ, बेचारे को वैसे बन के बैठे आए, मैं तो पता ही नहीं है पागल आदमी। रोड पर 95,000 95,000 रेट का हमें डीएलसी रेट पे मुआवजा दे दो आप, कुछ नहीं चाहिए हमको।